दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान योजना लाभार्थी, तो पीएम किसान सम्मान योजना की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सिस्टमेंट में जाने, सिस्टमेंट कब आएगा, किस तारीख का है, उसके बाद हम जान सकते क्या अपडेट निकल के आया। अगर आपको सिस्टमेंट मिलेगा उस अपडेट में क्या करना होगा, जब आपको जो है सिस्टमेंट मिलेगा या नहीं, अगर आप भी उस अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं कि अपडेट क्या आया, क्या निकल के आया है, तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाले। वीडियो को अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल, वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलो वीडियो शुरू करें। तो अगर आप भी पीएम किसान सिस्टमेंट लेना चाहते हैं, अगर आपको सिस्टमेंट में जाने, सिस्टमेंट कब आएगा, किस तारीख को आएगा, उसके बाद अपडेट क्या निकल के आया, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने हैं। जिसमें अपडेट खोल के दिखा दूं क्या अपडेट निकल के आया है। जैसे मैं आपको यहां खोल के दिखा देता हूं, जैसे आप पीएम किसान सम्मान ट्विटर अकाउंट पर पीएम किसान सम्मान योजना से अपडेट निकल के आया, क्या देख सकते हैं कि आपका क्या अपडेट निकल के आया है। तो पीएम किसान सम्मान योजना के बेवाले यहाँ 5 साल से इस योजना का लाभ ले रहे हैं। 2019 से इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो पीएम किसान सम्मान योजना तहत लाभार्थी किसानों को सालाना 3 सम्मान किस्तों में 2-2 हजार रुपए की हस्तांतरित राशि दी जाती है। अगर आप भी जो है इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो मोदी सरकार की गारंटी के अनुसार किसानों को हर साल जो 6 हजार रुपए की राशि दी जाती है। तो पीएम किसान सम्मान योजना 5 साल की जो है एक बेइस्तेमाल चली आ रही, तो 2.80 लाख करोड़ को जो है अभी तक जो धनराशि आपको जो खाते में डाल दी, उसके बाद 11 करोड़ लाभार्थियों को जो है इसकी किसान का जो है सिस्टमेंट का लाभ मिलता है। जिसको 11 करोड़ किसानों को जो है अब तक जो है हर साल जो है लाभार्थी मिलते हैं। उसके बाद आपको पीएम किसान का क्या अपडेट निकल के आई है, तो पीएम किसान सम्मान यहाँ पर जो अपडेट निकल के आई है, जैसे आप यहाँ देखते हैं पीएम किसान में क्या अपडेट निकल के आई है। तो पीएम किसान में 16वीं किस्त का अगर आपको लाभ पाना है, तो आपको ये जमीन दस्तावेज का अपलोड, आधार कार्ड का सक्रिय, बैंक खाते में लिंक, EKYC अवश्य करवानी होगी। अगर आप ये चीज़ नहीं करवाएंगे तो आपको सिस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या अपडेट निकल के आई, तो यहाँ से देख लगे पीएम किसान सम्मान में 16वीं किस्त का लाभ लाना है, मतलब आपको 16वीं किस्त का लाभ पाना है, तो आपको इन कार्यों को अवश्य करवाना होगा। अगर आपको सिस्टमेंट नहीं मिलेगा तो आपको ये कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य है अगर आपके आधार कार्ड का सक्रिय बैंक खाते में लिंक नहीं है, तो आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक करवाना पड़ेगा, जब भी आपको सिस्टमेंट मिलेगा, नहीं तो आपको सिस्टमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा अपडेट क्या है, अगर आपने अपने जमीन का सही दस्तावेज अपलोड नहीं करवाया, तो आपको मतलब जो है सिस्टमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको दस्तावेज अपलोड नहीं करता, आपको दस्तावेज अपलोड करवाने पड़ेंगे, जब भी आपको सिस्टमेंट मिलेगा। थर्ड नंबर पर क्या अपडेट निकल कर, अगर आपने अभी तक EKYC नहीं करी, तो आपको EKYC को पूरा करना होगा, जब भी आपको सिस्टमेंट मिलेगा। अगर आप नहीं करी, तो आपको पीएम किसान सभा ऑप्शन पर जाकर EKYC करना होगा। अगर आपने तीनों चीज करी, तो आपको पीएम किसान सिस्टमेंट मिलेगा। अगर आपने नहीं करी, तो आपको पीएम किसान सिस्टमेंट नहीं मिलता। अगर आपने EKYC नहीं करी, जमीन दस्तावेज अपलोड नहीं करता, आधार कार्ड सक्रिय बैंक खाते में लिंक है या नहीं करी, तो आपको ये चीज करनी। उसके बाद जाना चाहिए ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, आपको है या लिंक है या नहीं, आपको दस्तावेज अपलोड है या नहीं है, EKYC है नहीं, अगर आप उसे देखना चाहते हो, पीएम किसान सम्मान ऑफिशियल पोर्टल है, तो आपको उस पर बैक चले जाना। पीएम किसान सम्मान जो ऑफिशियल पोर्टल है, बैक जाने के बाद आपको यहाँ से पीएम किसान सम्मान डाल के यहाँ से ऑफिशियल पोर्टल लॉगिन हो जाते हैं। इस साइट के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली आने के बाद आपको यहां से नीचे स्टॉल करना, नीचे स्टॉल करने में आपको इसी में एक ऑप्शन होता है किनारे और स्टेटस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। पीएम किसान सम्मान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन आता, तो इसमें आपको जो एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना, जो भी आपको पीएम किसान सम्मान रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको वो डालने का ऑप्शन आता, उसको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डाल दे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में आपको सामने कैप्चर को डालकर गेट OTP मतलब आपको जो है स्टेटस जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, आपको साइड में ऑप्शन होता है किनारे और रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो इसके ऊपर क्लिक करना, मोबाइल नंबर से अपना आधार कार्ड नंबर से पीएम किसान सम्मान रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको यहां से निकाल लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद आपको यहां से बैक चले जाना, बैक जाने में पीएम किसान सम्मान ऑफिशियल पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन हो। इसके बाद फिर से आपको किनारे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दे, किनारे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको जो भी पीएम किसान सम्मान रजिस्ट्रेशन नंबर था आपको यहाँ डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको सामने कैप्चर कोड चमकता है, तो आपको जो भी कैप्चर कोड है सेम कैप्चर कोड इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको इसी में ऑप्शन जो होता है गेट OTP का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर दे, इसके ऊपर क्लियर हो, जो भी आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक का मतलब होगा फोन नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ, तो उसके बाद फोन में जो भी OTP है, तो आपको OTP का ऑप्शन आपको इसमें डाल देना। OTP डालने के बाद इसी में ऑप्शन होगा गेट डाटा या गेट डिटेल का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। गेट डाटा गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर, पीएम किसान सम्मान योजना पूरी इन्फॉर्मेशन, नाम पता, एड्रेस क्या है आपको, EKYC ईमेल लैंडिंग सीनिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाता है। अगर आप भी मुझे अपने अगर आपको जो अपना नाम पता आपका यहाँ सही है, आपको यहाँ से चेक करें, आपका आधार कार्ड में जो है नाम आपको नाम आपको यहाँ से देख लेना। उसके बाद आपको नीचे आपको जो है आप एलिजिबल लिस्ट में आपको EKYC लैंडिंग सीनिंग आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक है नहीं भी यहाँ शो होता। अगर आपके पास आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो आपको यहाँ आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक का ऑप्शन जो, अगर आपको यस है तो सही, अगर आपको नो है तो आपको यहाँ गलत आ रहा होगा। उसके बाद आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन
आपका नाम पता एड्रेस क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ निकल कर आपकी ईवी लिस्ट है लैंड लिस्ट है जितनी भी किस्त आई है वे यहाँ शो हो जाए। उसके बाद सबसे ऊपर आपका जो नाम पता एड्रेस है फोन नंबर लिंक है फादर नेम क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ऊपर शो हो। उसके आपको नीचे आपकी ईवी लिस्ट है आपकी लैंड लिस्ट ई के वाई सी आपका जो आपकी जो है आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है वे यहाँ शो हो। अगर आपका लैंड लिस्ट में आपका अगर आपकी जो फर्द है वो दस्तावेज अपलोड नहीं है तो आपको यहाँ नो आ रहा है। अगर आपको अपलोड है तो यस आ रहा है। अगर आपका यस है तो सही है। अगर आपका नो है तो आपको यहाँ दस्तावेज अपलोड करवाने पैसा मिलेगा नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी तीनों चीज सही है तो आपका पैसा आएगा। आपकी तीनों चीज में कोई गलती है तो आपका पैसा नहीं। उसके बाद आपको यहाँ संशोधन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे आपको जितनी भी किस्त आई है तो वे यहाँ सो जैसे मैंने किसान की स्टेटमेंट ओपन करता था इनके सामने किस तारीख को तो पीएम किसान सिस्टमेंट आपका जल्द ही आने वाला फरवरी माह के लास्ट में या मार्च माह के शुरू में जो पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब आपका पेमेंट जो है जल्दी तो इस तरीके से आप पीएम किसान सम्मान की पूरी जो है ई के वाई सी लैंड लिस्ट आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं आपको जो सारी चीज सही है इस तरीके से आप भी सारी चीज देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज सही है आपको आएगा या नहीं आएगा तो इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल से ना भूलें।